हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बी वन बिलियनियर शेयर मार्केट के 37th क्लास में वेलकम, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं DSI मीन डे सेल्स इन्वेंट्री। ये क्या है, इसको क्यों और कैसे मालूम करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। DSI मीन डे सेल्स इन्वेंट्री का मतलब है कि कंपनी कितनी जल्दी अपनी इन्वेंट्री मीन अपनी प्रोडक्ट जो सामान है उसका उसको कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर रही है। DSI को हम क्यों जानना चाहते हैं, उसकी वजह यह है कि इससे हमें पता चलता है कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली वर्क कर रही है। कंपनी की एफिशिएंसी का पता चलेगा हमें कि कंपनी जो अपना प्रोडक्ट है अपनी इन्वेंट्री है उसको कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर रही है। इससे हमें पता चलेगा कि कंपनी अपने काम में कितनी एफिशिएंट है। अब जो कंपनी जितनी जल्दी अपनी इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करती है वो उतना ही अच्छा कंसिडर की जाती है कि वो कंपनी एफिशिएंटली परफॉर्म कर रही है। DSI को कैसे मालूम करना है, DSI को मालूम करने का फॉर्मूला है इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन कोग्स मल्टीप्लाई बाय 365। ये जो इन्वेंट्री है ये हमें मिलेगी किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट से, और ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये हमें मिलेगी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट से। तो 365 डेज से हम इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि एक साल में 365 डेज होते हैं। हम एक साल के लिए इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि हम एक साल में उस कंपनी का मुवाजना मीन कंपेयर करते हैं कि कंपनी एक साल के मुकाबले में अपने सामान को अपनी इन्वेंट्री को कितनी जल्दी सेल आउट कर रही है और कैश में कन्वर्ट कर रही है। अब ये मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। आप एक फूड कंपनी फर्ज कर लें, उसकी जो इन्वेंट्री है जो कि हमने वैल्यूज पुट करनी है DSI के फॉर्मूले में, तो जो इन्वेंट्री है वो हम कंपनी की बैलेंस शीट से लेंगे। कंपनी की बैलेंस शीट में जो करंट एसेट्स हैं उसमें, क्योंकि इन्वेंट्री करंट एसेट्स में ही शुमार होती है कि उसको एक ही साल में हमने कैश में कन्वर्ट करना होता है, इसीलिए करंट एसेट्स में शुमार होगी। अब ये कंपनी की बैलेंस शीट में ये करंट एसेट्स हैं जो कि स्टोर्स एंड स्पेस जो कि हैं 26,70,000 ऑलमोस्ट आगे समथिंग, एंड इसी तरह ही जो स्टॉक इन ट्रेड है वो है तकरीबन 1,62,00,000। इसको जब हम प्लस करेंगे, क्योंकि ये इन्वेंट्री में काउंट होगा, तो इसकी जो वैल्यू जो रकम बनेगी वो 1,89,00,000 थी लैक बनेगी, जिसको हम इन्वेंट्री में डालेंगे और उसको हम डिवाइड करेंगे, और कोग्स मीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि हमें कंपनी की इनकम स्टेटमेंट से मिलेगी उसकी वैल्यू है तकरीबन 8,40,00,000। तो हम इन्वेंट्री से इस कोग्स को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो रेशियो निकल के आएगी 0.22। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 365 से, तो हमारे पास DSI निकल के आएगी 82.2 डेज। अभी अच्छी है या बुरी इसको हम डिस्कस करते हैं बाद में, लेकिन इससे पहले कुछ क्वेश्चन जनरेट होते हैं, वो ये कि इन्वेंट्री कम और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन जो कि इन्वेंट्री को हमने सेल आउट किया तो हमारे पास जो कॉस्ट निकल के आई वो ज़्यादा क्यों है। और जो दूसरा क्वेश्चन जनरेट होगा वो ये है कि 82 डेज का तो ये साइकिल चला, 83rd डे में कंपनी क्या फाइक बैठती है या कंपनी करती क्या है। अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। फर्ज करें कि आपके घर के पास एक शॉप है जिसकी इन्वेंट्री मतलब जिसने अपना काम स्टार्ट किया 5,00,000 से। अब जो उसके पास सामान पड़ा हुआ है वो है इन्वेंट्री जो कि 5,00,000 है। अब वो सामान सेल भी करता है, कुछ सेल्समैन कुछ कंपनी से वो सामान लेता भी है, सामान आ भी रहा है और जा भी रहा है, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन कोग्स होगी वो 25,00,000 लगा लें फर्स्ट करें, तो हम जो 5,00,000 है उसको 25,00,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 0.2, जिसको हम 365 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास तकरीबन कुछ 72 डेज बनकर आते हैं। अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है इन्वेंट्री को हमने जैसे डिवाइड किया था तो ये है एक साल की, और सेम प्रोसीजर कंपनीज पर अप्लाई होता है कि उनकी जो इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू जो कॉग्स से काफ़ी कम होती है, क्योंकि पूरा साल साइकिल चलता रहता है। अब जो 83 डेज थे उस फूड कंपनी के, 83rd डे में साइकिल अगेन स्टार्ट हो जाएगा, इन्वेंट्री दोबारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो 83 डेज हैं ये अच्छे हैं या नहीं, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करते हैं। आप जब दूसरी कंपनीज जो होंगी उसी इंडस्ट्री की उससे कंपेयर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो DSI निकल के आई है, अब ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से पता चलता है हमें कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है और कंपनी किस DSI पर फॉल कर रही है, कि उसका DSI कितनी है। जितनी कम DSI होगी मीन जितनी जल्दी वो अपने इन्वेंट्री को अपने सामान को कैश में कन्वर्ट करेगी वो कंपनी उतनी अच्छी कंसिडर की जाएगी। अब अगर किसी कंपनी की DSI ज़्यादा होती है तो उसकी कुछ रीजन है,
कि उस कंपनी से इन्वेंट्री ज्यादा बन गई है जो उससे सेल आउट नहीं हो पा रही, या उसका कोई नया कंपटीटर आ गया कि वो अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है एज कम्पेयर टू दिस वन, या उसकी प्रोडक्ट जो उसका सामान है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी थोड़ी कम हो गई है। इसकी ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से किसी कंपनी की DSI इंक्रीज भी हो जाती है। ये थी DSI रेशियो। किसी भी कंपनी को जब आप एनालाइज करते हैं तो जो रेशियोज होती हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं उस कंपनी को एनालाइज करने के लिए आपके लिए। तो रेशियोज को अंडरस्टैंड कीजिए, जहाँ पे ना समझ आए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।